आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक असमौली के गांव बाबूखेड़ा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 50 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। 2000 वोट और 6000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती ब्रज कौर ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर पर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। यह अपने अच्छे कार्यों के कारण दूसरी बार गांव के प्रधान चुने गए हैं। ग्राम प्रधान ब्रज कौर और सचिव महेश सिंह के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गांव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान प्रतिनिधि की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक असमौली के बाबूखेड़ा ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, यह किस तरह की कोशिशें इनकी आगे समय रहते जारी रहेंगी, सबके बारे में हम जानकारी लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान पति से। आया दुकान पर भी आ जाओ प्रधान जी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 5 साल जैसे कि ये लगभग पूरे होने को हैं कार्यकाल के आपके, तो इस बीते हुए कार्यकाल में क्या क्या विकास गाँव में हुए हैं? हमने बहुत कुछ विकास किया गाँव में। कोई भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जो साफ सुथरा। पूरे गांव में सीसी टैक्स करा दी, दो रास्ते हैं उनका निर्माण चल गया और पूरे गांव में साफ सफाई सबसे अच्छा। रास्ते सभी पक्के हो गए हैं? सभी पक्के करा दी। टोटल एससी का तो टोटल एक को एक गली हमने करा दी है। एससी का एक भी गली ऐसी नहीं है जिसमें क्या सीसी टैक्स का कार्य हमने ना करा। आवास मिले हैं लोगों को? आवास हमारे यहाँ 3 मिले थे जो पिछले ग्राम प्रधान जी के रुपये थे, वो 3 आवास थे, 3 ही दिलवा दें। नए आवासों के नाम गए थे और 50 आवासों के नाम हमने भेजे हैं। अब सरकार के ऊपर आपने अपनी तरफ से कोशिश जो है पूरी की? पूरी कोशिश करी जो भी उसकी थी हमारी। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो आपके ग्राम पंचायत में कितने परसेंट लोग जो है इन सभी योजनाओं का लाभ उन्हें पूरा पूरा मिला है? उज्ज्वला योजना का पूरे गाँव में टोटल शायद लाभ मिल चुका है। एक दो परिवार ऐसा रह गया जो किसी पैसे रहेगा, बाकी सबको उज्ज्वला योजना का मिला है। बिजली का कनेक्शन घर हर आदमी मीटर से बिजली भी दिला रहा है और मनरेगा जैसे हमारी केंद्र सरकार की योजना है उसमें लगभग हमारे यहाँ 250 व्यक्ति हैं जो काम करते हैं और ज़्यादातर हमने कच्चे रास्ते, तालाब का सौंदर्यकरण और जो हमारे मनरेगा से कार्य होते हैं उन्होंने सारे करा रखते हैं। किसानों को सम्मान निधि का पैसा? सम्मान निधि का पैसा 60% किसान को मिला। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई हमारे यहाँ एक सफाई कर्मी जाती है, वो अच्छा काम करते हैं। उसके साथ साथ हम भी अपनी तरफ से दो तीन बार हमने साफ सफाई पूरे गांव में टोटल कराते हैं। जी जी, समय समय पर आप अपनी तरफ से भी यहाँ सफाई पर ध्यान देते हैं और बीच बीच में भी हम अपनी तरफ से कुछ लोग रखते हैं करा रहे हैं। पीने के पानी को लेकर यहाँ कोई समस्या ऐसी है कि अशुद्ध पानी यहाँ लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पाता है, उसकी दिक्कत आती है सामने? मैडम हमारे यहाँ 29 हैंडपम्प जो सरकार के द्वारा है सारे टोटल चालू। एक दो नल का पानी खराब था तो हमने रिवोल करा कर दोबारा हैंडपम्प चालू करा दिया, ताकि कोई भी हैंडपम्प हमारा ऐसा नहीं जो खराब पानी हो। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में क्या क्या काम हुए? स्कूल में मैडम हमारे यहाँ बहुत गंदगी थी उस समय। हम 2005 में इंतजाम गए उस समय भी हमने बहुत कुछ कार्य जो हमारे बस्ती तक स्कूल में कराया, आज भी हमने कराया। पूरी टोटल बाउंड्री हमने नई कराई है, हैंडपम्प हमने लगवाया नया और शौचालय बनवाया है, आंगनबाड़ी का शौचालय बनवाया है और पेंटिंग वेंटिंग सब कुछ बढ़िया मतलब काफ़ी सौंदर्यीकरण काम बढ़िया काम कराया, लेकिन कैंसर काम पैसा ना होने की वजह से हम नहीं कर पाए। जी मतलब अभी भी उसमें काम बाकी है? जी जी बाकी है, अगर पैसा हमारे पास होता शायद ये कोरोना काल नहीं होता तो उस काम को। सरकारी बिल्डिंग में जैसे यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं गाँव? पंचायत घर है, जर्जर है, हम कई बार उसको लिख कर दे चुके हैं लेकिन उसका कोई भी हमारे बेनिफिट। लेकिन अब तो पंचायत घर के लिए नव निर्माण के लिए जो है आदेश आ चुके हैं, तो हमने कई बार उसे लिख कर दे दिया, हमारे सचिव ने लिख कर दिया, एक पंचायत द्वारा जो हमने चेक करा दिया जी, लेकिन उसमें हमने कोई लाभ अभी नहीं मिल पाया, अभी तक नहीं मिल पाया। खेल का मैदान नहीं है? खेल का मैदान है तो वैसे ही है, पहले चौबंदी में जो छुटे थे तो लोगों ने वैसे ही आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहाँ स्कूल में बना हुआ। अब अपने गांव को और ज़्यादा सुंदर और विकसित करने के लिए किस तरह की उम्मीद आप सरकार से रखते हैं, किस तरह की मांग रखना चाहेंगे? मैडम सबसे पहले समस्या तो हमारा गांव गरीब व्यक्तियों का,
अब सोची जाती है कि लोग ज़्यादा गरीब और कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीब जिनको आवाज़ होना बहुत जरूरी है। हम कई बार बी डी साहब से भी और उच्च अधिकारी से भी इस बारे में बात कर सकते हैं, नाम हम उन लोगों को दे रहे हैं, अगर आवाज़ हमारे यहाँ है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट काम। जी जी, इसके अलावा और कोई समस्या आपके गांव में आपको लगता है? जैसे कि आपने बताया आप एक बार पहले भी यहाँ प्रधान रह चुके हैं, तो उस वक्त में भी कुछ समस्याएं ऐसी रही होंगी जिनका समाधान आपने अब इस समय में कोशिश की होगी पूरा करने की, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं, तो अब भी आपको क्या लगता है किस तरह की समस्या गाँव में अभी बाकी है जिसके लिए अगर सरकार की तरफ से मदद मिले या धनराशि ज़्यादा मिले तो आप सबसे पहले उस समस्या को जो है निस्तारण करें? पहले हम यही चाहेंगे गाँव का हमारा जो भी रास्ते हमारे रह रहे हैं वो रास्ते हमारे साफ सुथरे हो जाए, नए बन जाए किसी टाइप का, और जहाँ एक दो हैंडपम्प की कमी हो हैंडपम्प लग जाए। दूसरा जैसे हमारे पंचायत घर के कार्य जर्जर बुखार पड़ा वो नया हमारे यहाँ या नई बड़ा घर की व्यवस्था तो हमारे बहुत ज़्यादा है, और एक सामुदायिक केंद्र हमारे यहाँ बना हुआ है उसमें आज तक ना कोई डॉक्टर आया है ना कोई व्यक्ति उसमें बैठा है। उसकी कभी आपने शिकायत? शिकायत हमने कई बार उसमें करा दी। क्या जवाब देता है? जहाँ पे कोई भी अधिकारी देखना शुरू जाता है हम कर देते हैं कि यहाँ हमारे ऐसा से करा, मतलब उस शिकायत पर कोई भी किसी तरह का कोई असर कोई सुनवाई नहीं? जैसे कि अनलॉक हो चुका है कोरोना, हालांकि अभी भी दिन ब दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं मरीजों के, तो इसको लेकर के आप अपने ग्रामवासियों को क्या जागरूकता संदेश देना चाहेंगे? गांव में ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं, हमने कई बार आवाज़ लगवा दी था सब लोग अपने अपने घर में रहो, सब ने अच्छी तरह से पालन उसका करा छोटे से बड़े तक, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ जो व्यक्ति कोरोना के पॉजिटिव तो उनका इलाज हो ठीक हो अपने घर में रहते हैं, और साफ़ सफाई हमारे यहाँ काफ़ी बढ़िया है, सब लोग जानते हैं परिवार को किस तरह से डील करते हैं, तो कोई इस तरह की समस्या नहीं है। अब जैसे कि चुनाव का समय नज़दीक है, दोबारा से लोग अपनी फिर से तैयारियों में जुट गए हैं, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कोशिश में, तो आने वाले समय में क्या कोशिशें आपकी रहेंगी, क्या विचार रखते हैं आप अगर जनता ने दोबारा से आपको मौका दिया, या किस तरह से आप जनता को अपनी तरफ फिर से आकर्षित करने की कोशिश आपकी रहेगी? देखिए जनता का हमारे से यही अनुरोध है कि पढ़ा लिखे व्यक्ति जो होता है विकास ज़्यादा करा, अक्सर हमने देखा है जो कम पढ़े लिखे हैं जिन्हें ये भी बताने कि हमें क्या करना है क्या हमें लिखना है किस अधिकारी से कैसे बात करनी है तो हम विकास भी देता है। सबसे पहले हम ये चाहते हैं हमारे गाँव जिस भी व्यक्ति को प्रधान बना वो पढ़ा लिखा सभी को साफ सुथरा रखते हैं उसकी अच्छी छवि हो ताकि गाँव में अच्छा विकास कराए अधिकारी से बात कर पाए, जब पढ़े लिखे होंगे शिक्षित होंगे तो अच्छा विकास भी। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इनके द्वारा इन 5 सालों में करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, लगभग 90% रास्ते यहाँ पर पूरे पक्के हो चुके हैं और जो रास्ते अभी कच्चे बाकी बचे हैं उम्मीद है कि आने वाले समय में ये उन्हें भी पूरा पक्का करवा देंगे, और सरकार की तरफ से यदि धनराशि पूरी तरह से मुहैया होती है तो गांव में और ज़्यादा विकास करने की उम्मीद रखते हैं। इसके साथ ही यहां आवास भी कुछ लोगों को मिले हैं, लेकिन अब भी लगभग 50 से 60 परिवार यहां ऐसे हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है, जिसके लिए प्रमुख रूप से यहां ग्राम प्रधान ने मांग रखी है। गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए आवास खुद से बनाना बहुत ही मुश्किल क्या नामुमकिन के बराबर है, चाहते हैं कि सरकार उनकी तरफ खासतौर से ध्यान दे और उन्हें आवास मुहैया कराए। साथ ही अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो कुछ समस्याएं यहां सामने आई हैं, जैसे बारात घर जो कि यहां निर्मित नहीं है, पंचायत घर जो काफ़ी जर्जर हालत में है, काफ़ी साल पुराना बना हुआ है, उसके नवनिर्माण के लिए भी यहां कोशिश जारी है, और एक सामुदायिक केंद्र जो यहां केवल बना हुआ है लेकिन आज तक उसकी किसी भी सुविधा का कोई भी लाभ यहाँ किसी ग्रामीण को नहीं मिल पाया है, इसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी है लेकिन कोई आश्वासन तक नहीं मिलता, ना ही कोई अधिकारी यहाँ देखने आते हैं और ना ही इस तरफ कोई ध्यान दे पा रहा है। ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में ये समस्या देखने को मिली है और सामने आई है, लेकिन इसका कोई भी निस्तारण कोई भी कदम इस तरफ नहीं उठाया जा रहा है, इसका कारण क्या है ये शासन और प्रशासन ही बेहतर जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं, निवेदन करते हैं मोदी सरकार से कि इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरा करें। अशरफ अली के साथ नाजरीन टुडे 24 से। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। इस विद्यालय में किस पद पर कार्यरत हूँ? मैं प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। ग्राम कौन सा है? ग्राम बाबूखेड़ा। पे ग्राम प्रधान जी का जो कार्यकाल है वो समाप्ति की ओर है जी, स्कूल में विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे?
विकास प्रधान जी ने मेरे लिए, मैं या विद्यालय के लिए या परिवार विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही सहयोग किया है। बाउंड्री वॉल तैयार की है और पिछले समय भी यहाँ जो यहाँ पानी भर जाता था उसके लिए इन्होंने यहाँ पे संतरीकरण कराया है। अच्छा, जब समय होता विद्यालयों को जब प्रोग्राम प्रदान टाइम देते हैं जी, बिल्कुल इनकी सहभागिता बिल्कुल बराबर रहती है, जिससे हम जो सहयोग और जो मार्गदर्शन होता है उसके तहत हम भी इनका सहयोग करते हैं। आप इनके कार्य सहमत हो? बिल्कुल सहमत। जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। किस गांव के निवासी हो? बाबूखेड़ा। यहाँ जो ग्राम प्रधान जी का जो कार्यकाल है वो समाप्ति की ओर है जी, यहाँ पे विकास को लेकर क्या करना चाहोगे? विकास के कार्य चल रहे हैं वैसे, लेकिन पूर्ण रूप से जो है जो तेजी पकड़नी चाहिए वो नहीं है। मतलब इन बीते 5 वर्षों में विकास कार्य कुछ कराए हैं ग्राम प्रधान? काफ़ी कराए हैं, बहुत कराए हैं। किस तरह से? जैसे रास्ते बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं, और स्कूल का प्राइमरी स्कूल का सौंदर्यीकरण कराया है, और हैंडपंपों की देख रेख अच्छे तरीके से हुई है। आप इनके कार्य सहमत हो? बिल्कुल सहमत हूँ।